गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फोर में जीके सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग जीके में चैप्टर एट पढ़े थे, आज हम लोग चैप्टर नाइन पढ़ेंगे। चैप्टर नाइन में दिया हुआ है वेरी हाई वेरी डीप, यानी बहुत ऊंचा और बहुत गहरा, ठीक है। आगे है, इन द फॉलोइंग टेबल बोथ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर गिवेन, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच दे आर लोकेटेड यूजिंग द क्लूज गिवेन बिलो। यहाँ बताया गया है कि निम्न तालिका में ये जो है महाद्वीपों के उच्चतम और निम्नतम दोनों बिंदु दिए गए हैं, उस महाद्वीप का नाम बताएं जिसमें वे नीचे दिए गए सुरागों यानी क्लूज का उपयोग करते हुए महाद्वीपों का नाम लिखना है, यानी उनकी स्थिति को स्पष्ट करना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हाईएस्ट एलिवेशन, हाईएस्ट एलिवेशन यानी उच्चतम ऊंचाई। यहाँ है लोएस्ट पॉइंट यानी न्यूनतम बिंदु, और यहाँ है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, ठीक है। तो वन नंबर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे माउंट एवरेस्ट तिब्बत नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है वह तिब्बत में है और नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। यह जो है उच्चतम ऊंचाई पे है और यहाँ न्यूनतम बिंदु यानी लोएस्ट पॉइंट में जो है डेड सी, इजराइल, जॉर्डन एंड फिलिस्तीन, यानी मृत सागर जो कि इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन में है, और ये दोनों जो है एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो यहाँ खाली बॉक्स में एशिया भरा जाएगा, ठीक है। टू नंबर में है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वह तंजानिया देश में स्थित है, यहाँ लोएस्ट पॉइंट में है लेक एसल जिबूती, ठीक है, यानी झील की राख जो कि जिबूती में है, और ये दोनों जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। तो यहाँ बॉक्स में अफ्रीका भरा जाएगा, ठीक है। थ्री नंबर में है डेनाली, फॉर्मली माउंट मैकिनले, अलास्का, यूएसए, यानी डेनाली को जो है पूर्व में माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता था, जो कि अलास्का में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में है स्थित, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट में है डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए, यानी मृत्यु घाटी जो कि कैलिफोर्निया में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये दोनों जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो यहाँ बॉक्स में नॉर्थ अमेरिका भरा जाएगा, ठीक है। फोर नंबर में है माउंट एकानकागुआ। माउंट एकानकागुआ जो है मेंडोजा में स्थित है और यह अर्जेंटीना देश में है। लोएस्ट पॉइंट में है लगुना डेल कार्बन,
ये जो है अर्जेंटीना में है और कॉन्टिनेंट में लिखा जाएगा साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका जो है इस बॉक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में है विंसन महाद्वीप। विंसन महाद्वीप जो है वह उच्चतम ऊंचाई है, लोएस्ट पॉइंट में दिया हुआ है बेंटले सब ग्लेशियल ट्रेंच, बेंटले सब ग्लेशियल ट्रेंच, और यह दोनों जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, यानी बॉक्स खाली बॉक्स में जो है अंटार्कटिका भरा जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर में जो है दिया हुआ है माउंट एलब्रस, यह जो है रसिया में है और यहाँ लोएस्ट पॉइंट में जो है कैस्पियन सी, ये भी रसिया में है, यानी कैस्पियन सागर रूस, और ये दोनों जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो इस बॉक्स में यूरोप भरा जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में है माउंट कोसी अस्को न्यू साउथ वेल्स, ये जो है उच्चतम ऊंचाई हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया, और लोएस्ट पॉइंट में लेक आयरे साउथ ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया, यानी ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, तो इस बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया भरा जाएगा, ठीक है। नीचे दिया हुआ है डू यू नो, यानी क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, द डीपेस्ट स्पॉट इन द ओशन द चैलेंजर डीप इज लोकेटेड इन मरीना ट्रेंच, इट इज सो डीप दैट इफ माउंट एवरेस्ट वेयर टू बी प्लेस्ड इन टू इट देयर वुड बी मोर देन 2 किलोमीटर्स ऑफ वाटर कवरिंग इट। इसमें बताया गया है कि समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप जो है मरीना ट्रेंच में स्थित है, यह इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाता तो 2 किलोमीटर से अधिक पानी इसमें समा जाता, ठीक है। तो बच्चों आज ये आपका चैप्टर 9 समाप्त हुआ, और इस प्रकार आपका यूनिट 1 भी समाप्त हुआ। तो यहाँ जो खाली जगहों में कॉन्टिनेंट का नाम लिखना है इसको आप लोग भरेंगे और इसे याद भी करेंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है। और आगे कहीं कठिनाई होगी तो आप लोग को पुनः बताया जाएगा, ठीक है। ओके।